हाय फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार प्रजापति हमारे चैनल इंस्पायर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्लास्टिक हमारे लिए आशीर्वाद रूप है या श्राप। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं जो जानकारी आपको बताने वाला हूँ इससे तय हो जाएगा कि प्लास्टिक हमारे लिए आशीर्वाद रूप है या श्राप। दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे नई खोजें होती गई उसी तरह मानव जीवन बेहतरीन और आसान होता गया और आगे चलकर जब प्लास्टिक की खोज हुई तो ऐसा लगा कि पूरी मानव जाति को आशीर्वाद मिल गया है। परंतु प्लास्टिक के इस्तेमाल की लापरवाही के कारण आज वही प्लास्टिक मानव जाति और जीव सृष्टि के लिए श्राप के रूप में सामने आया है। दोस्तों, 1907 में प्लास्टिक की खोज हुई। न्यूज़पेपर की खबरों के मुताबिक एक आदमी एक महीने में 80 प्लास्टिक की बैग का इस्तेमाल कर उसको फेंक देता है और इस तरह देखा जाए तो 134 करोड़ आबादी वाला भारत देश एक साल में रुपये 300 करोड़ से भी ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर उसको फेंक देता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी खबरों में लिखा है कि साल 2020 तक भारत में 200 लाख टन से भी ज्यादा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होगा और वो हमें यहाँ वहाँ हर जगह आसानी से दिखाई देता है। दोस्तों, प्लास्टिक का कचरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर और समुद्र में भी पाया गया है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की संस्था के रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 में समुद्र में जितने जीव है उससे भी ज्यादा प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होगा और उसमें 60% हिस्सा भारत का होगा। दोस्तों, सन 1950 से आज की साल तक भारत में 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। दोस्तों, इंडियन स्पैन नामक संस्था की वेबसाइट प्रकाशित करती है कि भारत के शहरों में हर रोज 15,000 टन प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है और शर्म की बात तो यह है कि विश्व में जो सबसे बड़ी 10 प्रदूषित नदियां हैं उनमें से 3 नदियां 90% प्लास्टिक के वेस्ट से बह रही है। दोस्तों, आयरलैंड, चीन, अफ्रीका जैसे देशों में प्लास्टिक की समस्या बढ़ने के बाद उन्होंने वहां सख्त कानून बनाए। उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जिससे वहां प्लास्टिक की समस्या कम होती गई। दोस्तों, हम सिंगुलर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए और प्लास्टिक के वेस्ट का सही तरह नियंत्रण करें तो आने वाले समय में जो प्लास्टिक की समस्या है वह कम हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि प्लास्टिक से जुड़ी हुई जानकारी हर तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।